अपील हो गई है। पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएगा और 6 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में होना है। 28 जनवरी, 31 जनवरी, 3 फरवरी को मतदान होगा। मतदान के 1 घंटे बाद ही मतगणना की जाएगी। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 6:30 बजे के बाद से मतदान किया जाएगा और साथ ही अन्य इलाकों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। हर बार की तरह इस बार भी पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से ही होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, जैसा कि पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं छत्तीसगढ़ में, क्या मौजूदा हालात है, तैयारियां प्रशासन की तरफ से क्या की गई हैं? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और इसी सिलसिले में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज से जो नामांकन दाखिल करने का वक्त है वो शुरू हो गया है और 6 जनवरी तक जो नामांकन की आखिरी तारीख है वो है। उसके बाद 9 तारीख के आसपास जो चुनाव चिन्ह है वो प्रत्याशियों को दे दिए जाएंगे। अगर पूरे चुनाव की बात की जाए तो पहले से ही तमाम तैयारी निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कर ली गई थी। करीब 1 हफ्ता पहले चुनाव का ऐलान हुआ था और पूरा पंचायत चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण का चुनाव 28 जनवरी, दूसरे चरण का चुनाव 31 जनवरी और तीसरे चरण का जो चुनाव है वो 3 फरवरी को होगा। तो ये तमाम प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है और आज से अब जो नामांकन का क्रम है वो शुरू हो गया है। हालांकि ये उम्मीद कम है कि नामांकन के पहले दिन कोई जो प्रत्याशी है वो नामांकन बड़ी संख्या में दाखिल करें। जैसे जैसे वक्त यहाँ पर बीतता जाएगा वैसे वैसे जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन दाखिल करते जाएंगे। अगर पूरी प्रक्रिया को समझा जाए तो पंचायत चुनाव पार्टीगत नीतियों के आधार पर नहीं लड़ा जाता। पार्टी बाहर से समर्थन जरूर देती है लेकिन अपने अधिकृत प्रत्याशी पंचायत चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में जारी नहीं होता। लेकिन अगर जिला पंचायत चुनाव की बात की जाए तो कल जो प्रदेश के पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएन सिंहदेव, उन्होंने ये कहा कि जिला पंचायत के लिए अलग से जो उम्मीदवार हैं उम्मीदवारों की लिस्ट है जो समर्थन जिस पार्टी को पार्टी की तरफ से मिलेगा उसकी एक लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव के लिए सरकार की पूरी तैयारी है और कांग्रेस भी अपने सभी जो बाहर से समर्थन जिन प्रत्याशियों को देना है उससे भी लगातार रायशुमारी कर रही है। तो पंचायत चुनाव का बिगुल पहले ही बज चुका है, अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खासतौर पर जो ग्राम पंचायत है जहां पर सरपंच का चुनाव होना है वहां पर अभी से बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।